हाय गाइस, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्य क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है घोषित कर दी जा चुकी है और आपको कैसे रिजल्ट चेक करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपको किस साइड पर जाएंगे तो आप एक ही स्टेप में अपना रिजल्ट पूरा मार्क्सशीट सहित ही देख पाएंगे। चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। लाइव प्रूफ मैं आपको रिजल्ट निकाल के दिखा दूंगा। सो आप लोग बने रहे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे आप समझ पाएंगे जो आप रिजल्ट को कैसे निकालना है। तो आप अपना रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखें। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं जो आप अपना क्लास 10th का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, वो भी पूरा मार्कशीट सहित और कितना नंबर आया है, कौन सा डिवीजन से आप पास हुए हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं, तो प्लीज़ आप लोग बने रहे। चलिए सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, किसी एक क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के किसी एक क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। तो चलिए मैं सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर जो है, यानी क्या चाहे आप गूगल खोल लीजिए चाहे क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए, चलिए हम क्रोम ब्राउजर खोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना है india result.com आपको टाइप करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह के कुछ इंटरफेस खुल के नज़र आएगा। जब आप सर्च मारेंगे तो आपको इस तरह के कुछ इंटरफेस रिजल्ट आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो क्या करना है आपको, इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहा जाएगा आप किस स्टेट का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो वो पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम बिहार बोर्ड का 10th का रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो बिहार लिखा हुआ है इस बिहार को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, बिहार को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जब बिहार को यानी कि अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा स्लाइड करके ऊपर ले जाना है और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कॉलम है यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं ये कॉलम जो है यानी क्या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑल एसटी रिजल्ट नो अवेलेबल, यानी क्या इंटर का जो है रिजल्ट अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर नो अवेलेबल दिख रहा है। और जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी कि जैसे डिक्लेयर होगा आपको यहाँ पर भी नो अवेलेबल का जो शो करेगा। आप क्या करना है, आपको यहीं पे सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, इसके बाद आपको यहाँ पे रोल कोड भरना है, इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर जा करके गो बटन में जा करके क्लिक कर देना है, तो आपको अपना रिजल्ट शो करने लगेगा।